भारत और नेपाल सीमा के करीब मौजूद ये मंदिर बेहद खास है। शारदीय नवरात्र के मौके पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर गुलजार रहता है। इस लिहाज से अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के कुंवारी में मौजूद इस मंदिर की खास अहमियत है। ये मंदिर तो हम मतलब ये मंदिर जब बना है तब हम लोग को तो लगभग हो गया 20 साल करीब हो गया होगा। स्थापित तो हमारे पूर्वज ही बता सकते हैं। 100 साल से पुराना ही मंदिर है। क्या है इसकी विशेषता? विशेषता यही है कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो भी मनोकामना यहाँ मांगने से पूर्ण हो जाती है, और ऐसा हुआ भी है, हम लोग देखते भी हैं। मान लिया कि जब हम लोग देखे तो ये मंदिर झोपड़पट्टी हुआ करता था, आदमी लोग का मनोकामना पूर्ण होते गया, सब दान दक्षिणा देते चले गए, जिसके कारण ये मंदिर का निर्माण होते चले गया। और ये मंदिर पहले एक मंजिला बना, एक मंजिला से दो मंजिला बना, यहाँ तरह तरह का दान देते हैं, मनोकामना पूर्ण होते जाता है, लोग दान करते जाते हैं। कुंवारी दुर्गा मंदिर सदियों पुराना है। ये मंदिर शक्ति पीठ के साथ मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआती काल में घास फूस से बने मंदिर में पूजा अर्चना होती थी, जिसे आपसी सहयोग से टीन के चदरे से छत का निर्माण किया गया, जो काफी दिनों के बाद इस रूप में तब्दील हुआ। बहुत दूर से आते हैं यहाँ, नेपाल काठमांडू तक का लोग आते हैं, जो कि यहाँ मंदिर में दान भी दिए हुए हैं और देते हैं। बहुत ज्यादा है, अगर आप श्रद्धा से दिल से कुछ मांगे तो आपका पूर्ण होना ही है। शक्तिपीठ के रूप में भी देखा जाता है, देखा जाता है, शक्तिपीठ के रूप में देखा जाता है। मंदिर में शारदीय नवरात्र की नवमी को बलि प्रदान की प्रथा थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सहमति से इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 दशक से इस प्रथा पर पूर्ण पाबंदी है और वैष्णव पद्धति से पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर की रौनक बढ़ जाती है। यहाँ पर भारत और नेपाल के लोग पूजा अर्चना करने लगातार आते हैं। बता रहे थे कि मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग हमारे इंडिया के जो 4-5 पंचायत के लोग आते हैं, और बगल के नेपाल के काठमांडू विराटनगर तक के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ताकि वहाँ का लोगों का भी मनोकामना पूर्ण हुआ है। इसी लेके नेपाल के लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ मेला भी लगता है? जी जी जी, हटिया पर बगल में साइड में मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है। अभी जो है किस तरह से यहाँ पर मंदिर के लोगों का मान्यता है, क्या लोगों की मांग पूरी हुई है? जी जी जी, बहुत सारे लोगों को ये जितना भी देख रहे हैं, सारे लोग का मनोकामना के ही आधार पर यहाँ, कोई निजी व्यक्ति यहाँ नहीं दिए हैं। आज मंदिर जो भव्य है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जितने लोगों का इच्छा पूर्ण हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई, मैया के दरबार में सब अपना अपना योगदान दिए हैं, सब अपना अपना धनराशि दिए हैं, लगाया है इसमें। लगता है कि ये अपने जिले का एक खास मंदिर है। जी सर, ताकि और सब पंचायत में देखते हैं पूजा पाठ हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है 12 मास यहाँ जो है ना पूजा होती है, और यहाँ मंदिर में इस मैया का तो विसर्जन हो जाता है, लेकिन ऊपर में जो छत पे मैया रखा गया है उसका पूजा 12 मास आते हैं। शादी हो, विवाह हो, शादी में यहाँ आना ही आना है महिलाओं को, सबको, कन्वर हो या कन्या का जिसका भी शादी होता है, पूरे पंचायत का सब मैया का आशीर्वाद से ही शादी में जाते हैं और शादी करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मैया के मंदिर में नहीं आएगा। सारे देवी देवता पूजने के बाद मैया के मंदिर आने के बाद ही कोई अपना जो है शादी ब्याह कहीं करते हैं, करवाते हैं।